ग्रीन सॉइल में जो आज का टॉपिक है वो बॉन्जाई पे है। तो ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा बरगद का बॉन्जाई है। इसको मैंने रोड साइड से लिया था, और रोड साइड से जब मैंने लिया था तब बहुत छोटा सा ही प्लांट था। तो फिर मैंने धीरे धीरे इसको ग्रो किया, तो आज ये काफ़ी अच्छी शेप ले चुका है। आप इसका स्टेम देखिए, अभी कितना देखिए, कितना मोटा इसका स्टैम्प हो रहा है। और ये इस बार के बरसात में है ना, एरियल रूट आई थी, तो एरियल रूट मैं ना इसकी आने देता हूँ ताकि वो अच्छे इसका ओल्ड लुक देती है। जैसे ये वाली रूट जा रही है तो धीरे धीरे ये बढ़ने लगेंगे। जैसे ये भी इसकी रूट थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रख दिया, तो इसने ना इसको स्टैम्प का रूप ले लिया धीरे धीरे। ये रूट ही थी इसकी, क्योंकि इसका सिर्फ स्टैम्प ये था, ये रूट थी। तो मैंने क्या करा, इसको थोड़ा इस तरीके से शेप से लगाया कि ये बाहर आ जाए, तो ये रूट धीरे धीरे स्टैम्प का रूप ले लिया। ऐसे ही जैसे ये वाली एरियल रूट हो गई, और ये वाली एरियल रूट हो गई, धीरे धीरे स्टैम्प ले लेंगे, तो ये बड़ा अच्छा सा लुक लगेगा, इनके बीच में गैप भी रहेगा। तो ये घास वगैरह उग जाती हैं, तो मुझे इनका नाम नहीं पता, पर मुझे है ना ये अच्छी लगती है बॉन्साई में ना। तो अभी आप ये देखिए, इसका लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मैं निशब्द हूँ बिल्कुल। इतना अभी मैं इसकी ज़्यादा शेप नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे इसको शेप बॉन्साई ये नहीं है कि रातों रात बन जाता है, इसको टाइम लगता है। कोई 25 साल पुराना बॉन्साई होता है, कोई 50 साल, कोई 10 साल, 5 साल। तो फिलहाल तो अभी विंटर आने वाला है, तो विंटर में तो जितना कम प्लांट को छेड़ें तो उतना अच्छा है। तो फिलहाल मैं इसको ग्रोथ होने दे रहा हूँ। यहाँ से आप इसकी ब्रांचेस देख सकते हैं कैसे कैसे ग्रो हो रही हैं, देखिए कैसे कैसे इसकी ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं। मैंने यहाँ से कटिंग की थी, जैसे यहाँ से कटिंग की थी तो मल्टी ब्रांचेस लिख ली, फिर मैंने यहाँ से कटिंग की थी फिर मल्टी ब्रांचेस लिख ली, तो ऐसे ही है। मैंने अभी पिंचिंग भी की थी, इसकी पिंचिंग का असर भी आया है, ठीक है। यहाँ भी कटिंग की थी, यहाँ भी कटिंग की थी, तो यहाँ भी कटिंग की है। तो धीरे धीरे बॉन्साई क्या है ना, मल्टी ब्रांचेस ही होती है। मल्टी ब्रांचेस को फिर इस तरीके से शेप देना होता है कि ताकि वो एक पेड़ का लुक ले ले। तो फिलहाल ये जो पॉट होते हैं थोड़ा कॉस्टली मिलते हैं, इतने में आपके मतलब प्लास्टिक वाले जो 12 इंच के पॉट हैं, दो आ जाएंगे, जो सामने रखे हैं बड़े वाले, ये दो पॉट आ जाएंगे, जितने भी एक एक आता है, क्योंकि 200 रुपये या 250 रुपये तक की रेंज का मिलेगा आपको बॉन्साई पॉट। और वो आपको जो 8 इंच के हैं वहाँ पर सेलो के, यहाँ पर 100 रुपये के मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो अब अगर आप बॉन्साई के शौकीन हैं, तो काफ़ी लोग बोलेंगे बरगद का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी वाइफ तो उनको पूछती भी है, क्योंकि जो बड़ पूजा होती है तो उसके लिए बड़ उसको इधर उधर जाने से अच्छा वो घर में इनको पूज देती है, तो इन्होंने भगवान के स्थान पे इनको दे रखा है। और मैं भी इनकी बहुत केयर करता हूँ, इनको जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी चाहिए, सनलाइट वगैरह, मैं सब इनको नीड कराता हूँ। और इनसे मेरा धीरे धीरे लगाव भी इसलिए बन रहा है क्योंकि इनको मैंने ग्रो होते देखा, मतलब बच्चे की तरह छोटे से थे, छोटे से फिर ये ग्रो हो रहे हैं, तो इनको ग्रो होते हुए देखना काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे आपको कोई अपना हो जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो, तो सेम इनके साथ है। तो मैं अभी एक सिर्फ इमेजिनेशन होती है कि जब ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, 5-6 साल हो जाएंगे, अभी जैसे 2 साल हो गए, तो 5-6 साल बाद ये कितने प्यारे लगेंगे। मुझे लगता है एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे इसे ज़मीन में लगाना ही पड़ेगा, पर फिर भी मुझे ऐसे बहुत प्यारे लगते हैं। इसकी लीफ अभी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, पर जैसे जैसे इसकी मैं बॉन्साई लुक दूंगा, इसकी लीफ धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी। देखिए जैसे कुछ लीफ इसकी अब छोटी आती हैं, नीचे की तरफ जितनी लीफ होंगी छोटी होंगी, कोई कोई लीफ इसकी बहुत बड़ी भी है, जैसे ये वाली देखिए कितनी बड़ी लीफ है इसकी, पर काफ़ी अच्छी इसकी अभी ग्रोथ हो रही है। धीरे धीरे जब शेप ले लेगा तो बहुत अच्छा बॉन्साई लगेगा। मैं जैसे जैसे इसकी शेप देता रहूँगा, वैसे वैसे मैं आपके साथ इसका अपडेट शेयर करता रहूँगा। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप बॉन्साई लवर हैं तो बरगद का बॉन्साई आप ज़रूर बनाइएगा। आप इसे धर्म से या किसी चीज़ से मत जोड़िएगा कि भूत आते हैं, ये सब चीज़ आते हैं। मुझे तो ये बहुत प्यारा पेड़ लगता है। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि बरगद का पेड़ गमला पेड़ घर में लगा रखा है, इसे नेगेटिव एनर्जी आती है, आती है, वो आती है। मुझे तो आज तक इसने कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दी है, ना मुझे कुछ हर्ट हुआ है, मतलब ना कोई ऐसी फीलिंग है। मुझे तो बस ये है कि अपना समझ के इनको रोकता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी मुझे क्या पता अभी मेरे घर में कुछ हो भी, अच्छा भी हो रहा हो तो शायद इन्हीं की वजह से हो रहा हो। अगर बुरा है तो आप किसी ना किसी पे तो ब्लेम डालेंगे ना, तो प्लांट पे जो बेचारा अपनी जगह से चल भी नहीं सकता, आप उस पर कैसे ब्लेम डाल सकते हैं, वो आपका नुकसान कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एक बॉन्साई लवर हैं तो अब मैं कहूँगा कि एक बार आप है ना बरगद का बॉन्साई बनाइएगा ज़रूर। चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।